दोस्तों नमस्कार। आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालॉजी जो परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आइए हम देखेंगे कि एनालॉजी के प्रश्न परीक्षा के अंदर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और दोस्तों रीजनिंग विद राहुल सर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग हम 20 से 25 प्रश्न करने वाले हैं और पूरा आपकी शानदारता का एनोलॉजी के प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी संबंध है जिस प्रकार से दूसरे पद का पहले पद से संबंध करता है। यानी दोस्तों दूसरा पद है ये पहले पद से संबंध करता है, तो चाकू का अर्थ क्या है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है और ये रेलवे और एनटीपीसी और अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों सुई का मतलब टांका लगाना, तो चाकू है काटने के लिए काम आता है। क्या है? काटने के लिए काम आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, तो बिजली का मतलब क्या है? रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखेंगे, बिजली का मतलब है अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, बिजली से उजाला होता है। क्या होता है? बिजली का मतलब क्या होता है? यस, बिजली का मतलब होता है बल्ब होता है, न कि अंधेरा होता है। गाड़ी है, गाड़ी के लिए पेट्रोल और बिजली के लिए बल्ब चाहिए। क्या चाहिए? बल्ब चाहिए। देखेंगे, हरा रंग है तो सेव क्या है? हरा रंग है यानी हरा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। दोस्तों सेव एक प्रकार का फल है। हरा क्या है? रंग है। सेव प्रकार क्या है? फल है। यानी हरा क्या है? एक प्रकार का रंग है, रंग के अंदर आता है। फल के अंदर क्या आएगा दोस्तों? सेव आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए जोड़ों का जैसा है। न्यूनतम का अधिकतम, जो न्यूनतम है, न्यूनतम का मतलब अधिकतम होता है। यस, तो बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर। सबसे खराब, सबसे अच्छा, सुख पसंद, पहला दूसरा, सुखी और क्रोधित। तो दोस्तों ये है विलोम शब्द है। यस, सबसे खराब तो सबसे अच्छा राइट आंसर है। चलिए, भारत का संबंध बाघ से है, अमेरिका का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे मुझे जल्दी से। चलिए, इसका राइट आंसर है ब्लड ईगल। ब्लड ईगल यानी भारत का, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। कौन सा है? बाघ है। इसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ब्लड ईगल। चलिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, परिवहन माल और बैंक का मतलब क्या है? दोस्तों परिवहन के अंदर माल होता है, बैंक के अंदर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। बैंक के अंदर होगा धन। क्या होगा? धन होगा। क्या होगा? धन। बैंक के अंदर क्या होगा? धन होगा। चलिए देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेघालय क्या है? मेघालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट है मेघालय। मेघालय की राजधानी कौन सी दोस्तों? शिलोंग है। ये इंग्लिश के अंदर दे रखा है, तो बिहार की राजधानी कौन सी है? बिहार। बिहार की राजधानी कौन सी है? सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। इजी प्रश्न है तो आप कर लेंगे। यस, बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में। चलिए देखेंगे, तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार माउंटेन का निम्न कौन सा? माउंटेन। देखिए तालाब, तालाब के अंदर क्या रहता है दोस्तों? पानी रहता है। तो माउंटेन, माउंटेन के अंदर क्या रहेगा? माउंटेन के अंदर क्या रहेगा बताइए जल्दी से।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। माउंटेन के अंदर क्या रहेगा? अब आप बोलेंगे सर हमें तो कभी ऐसा पढ़ाया नहीं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन ये एनोलॉजी का एक दिमाग का सही है। आप दिमाग चलाएंगे तब ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अगर आप दिमाग नहीं चलाएंगे तो प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे। चट्टान क्या है? चट्टान। किताबों से पेज है, खिड़की से क्या है? किताबों के अंदर पेज होता है तो खिड़की के अंदर क्या होता है भैया? किताबों के अंदर क्या है? पेज है तो खिड़की के अंदर क्या होगा? खिड़की का शीशा होगा। खिड़की का क्या होगा? शीशा होगा। देखेंगे मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है तो कॉलोनी का संबंध किससे है? कॉलोनी। बताइए जिस कॉलोनी का चींटियों के झुंड को कॉलोनी कहा जाता है। चींटियों के झुंड को कॉलोनी कहा जाता है। चलिए बताएंगे दोस्तों, सी डी जी ए पी क्यू, यहां पर देखेंगे आगे क्या आएगा। दोस्तों प्रश्न का सीधा आंसर है, आपको मैं बता देता हूं, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? चार का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर है? माइनस तीन का अंतर। तो यहां पर प्लस चार करेंगे, ओ पी 16 पे है तो यहां पर 20 पे आ जाएगा, 20 पे टी आ जाएगा। क्यू 18 पे है, सॉरी क्यू 17 पे, क्यू 17 पे तो माइनस तीन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन। एन किस पे? 14। 14 में से प्लस तीन करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी और एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी और एन। समझ में आ रहा है प्रश्न? चलिए देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अक्सर समूह से संबंधित युग्मों में से अनुपस्थितिक पद कौन सा है? यानी जो खाली जगह दे रखा है, इस खाली जगह के अंदर क्या आएगा? खाली जगह पर क्या आएगा? देखेंगे दोस्तों, बी बी ई ए के ई आई एफ क्यू बताएंगे, तो हमें क्या ज्ञात करना है? एस ए आई टी नहीं, एस एल क्या जाएगा? एल बताएंगे। दोस्तों इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? सबसे पहले बी सी डी ई तीन का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? चार का अंतर है, इन दोनों में पांच का अंतर है, इन दोनों में छह का अंतर है। तो सबसे पहले तीन का अंतर कर लीजिए तो यहां पर वी हो जाएगा, फिर चार का अंतर कर लीजिए तो यहां पर ई हो जाएगा, फिर पांच का अंतर कर लीजिए एन हो जाएगा, फिर छह का अंतर कर लीजिए आर हो जाएगा। तो वी ई एन आर क्या है? वी ई एन आर किसके अंदर है? वी ई एन आर किसके अंदर? वी ई एन आर, वी ई एन आर राइट आंसर, वी ई एन आर आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बी ई एफ अनुपात आई एम आर समानुपात डी जी पी बताइए। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बी और आई, एफ और एम, के और आर, यस। तो डी का मतलब क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों के बीच में ये दो पे है, इसके बीच में सात का अंतर है, ये नौ पे है, ये दो पे है, और इन दोनों के बीच में भी प्लस सात का अंतर हो, किसका अंतर है? और इसके अंदर भी प्लस सात का अंतर हो रहा है, तो डी में प्लस सात करूंगा, डी आपके चार है तो यहाँ पर ग्यारह पे के हो जाएगा,
उसके बाद में जी सात पे है, प्लस मैं सात करूंगा तो 14 पे आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। पी प्लस सात करूंगा तो दोस्तों डब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा डब्लू। प्रश्न का राइट आंसर होगा के एन डब्लू, क्या हो जाएगा के एन डब्लू, के एन डब्लू, क्या हो जाएगा के एन डब्लू आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखेंगे तीन को 243 और उसी प्रकार से पांच को क्या लिखेंगे। पर्सन वाचक चिन्ह का आपको अनुपात याद करना। देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 का 5, 3 का 5 तभी होगा ये। तो 3 × 3 × 3 करेंगे तो 3 का 5 होगा, तभी प्रश्न का आंसर आएगा। तो अब देखिए 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यस, 5 का तो आप सभी को पता है, 5 का 125 और × 25 कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्लियर। तो इसका यहां पर क्या आ जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 का 3, ये चीज इस प्रकार से प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध में सर्वोच्च ढंग से सही आएगा, 9 का 20 और 21 का क्या होगा। देखिए दोस्तों 9 × 2 कितना 18 + 2 बराबर 20, 21 × 2 बराबर 42 + 2 बराबर 44। नेक्स्ट दिए गए संबंध संख्याओं के जोड़ों के आधार पर अनुपस्थिति संख्या कौन सी है, यानी खाली जगह है, इस खाली जगह पर क्या आएगा, इस खाली जगह पर क्या आएगा, इस खाली जगह पर क्या आएगा बताइए। देखिए दोस्तों 1990 में से 3394 को लेस कीजिए, कितना शेष बचता है, इसका हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8 या 8, फिर बजेगा 1, उसके बाद देखेंगे कितना हो रहा है, देखेंगे यहाँ पर 8, सॉरी यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 4, 596 क्या आ रहा है, 596 आ रहा है। यस, अब हम करेंगे 2017 में से 596 लेस कर लेंगे, तो 1, 2, 4 आ रहा है क्या, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा प्रश्न का दिमाग लगाइए, आप थोड़े प्रश्न का आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, ज्यादा मत लगाइए, बताइए मेरे को क्या ऐसे होगा या नहीं होगा, भैया ऐसे होगा या नहीं होगा। दोस्तों इन दोनों के बीच 1990 और 1394 के अंदर कितने का, 596 का अंतर है, कितने का अंतर है, 596 का अंतर है। तो दोस्तों 2017 में 596 हम क्या करें, 596 हम क्या करेंगे, ऐड करें, क्या करेंगे, 596 हम ऐड करेंगे, तो 6 × 6 = 12, 13 × 3 हासिल आ गए, 9 के बाद 10 = 11 हासिल की, 1 × 6 = 26 = 13 माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि ये संख्या पूछी है, पहले हमने माइनस किया, माइनस नहीं प्लस करना, क्या करना, प्लस करना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, रात RAT रात 18, 1, 20 तो GOD 7, 15 और 4 क्या है, 7, 15 और 4 हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर और अंकों के अवयव के बीच वैसे ही संबंध है जैसे RUT 5487 है, इस प्रकार से कौन सा संबंध सही ढंग से संबंधित नहीं करता हो,
यानी सही ढंग से आपको संबंधित नहीं करता हो, यही सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों देखेंगे क्या प्रश्न है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रो, देखिए सबसे पहले आर, आर का कोड क्या है 5, ओ का कोड कितना है यस 4 कोड है, ओ का कोड कितना है 4 है, और उसके बाद देखिए यू, यू का कोड कितना है 8 है, कितना है 8 है, उसके बाद देखेंगे टी, टी का कोड कितना है 7 है। अब देखिए मिला लीजिए आर, ओ का कोड कितना है 4, तो ये ओ का कोड यहाँ पर कितना है 4 है, ये गलत हो गया। अब देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पूछा क्या कौन सा संबंध सही नहीं है, कौन सा संबंध सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका, क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। देखिए देखिए इसकी सेम आकृति को ढूंढना है, सेम आकृति कोई सेम आकृति को ढूंढना है कि इनमें से सेम आकृति किसके अंदर है, सेम आकृति ढूंढना है। दोस्तों सेम आकृति ये बनेगी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। चलिए यस देखेंगे दोस्तों ये 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 अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है, निकटतम समानांतर समान आकृति कौन सी है। अब आप तो बोल रहे सर सभी समान ही समान है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में ये असमान है ये वाला, बाकी सभी समान है। चलिए बताइए रेलवे के अंदर यहाँ से बहुत सारे पुटअप सवाल हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक है और यहाँ पर आ रहा है वाइट हो रहा है, तो यहाँ पर वाइट है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाइट है तो यहाँ पर क्या होगा, या व्हाइट है तो यहां पर ब्लैक हो जाएगा, तो सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे, अपने सुझाव दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें देते रहिए। यस बिल्कुल बताएंगे। एक और प्रश्न है आपके लिए, फुटबॉल के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं, यस तो ये है आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। एनालॉजी के प्रश्न प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।